नमस्कार साथियों, इंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे पहला ग्लैंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्यूटिट्री ग्लैंड, जिसका हिंदी में मतलब है प्यूस ग्रंथि। ये लेक्चर 2 है हमारा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्यूस ग्रंथि हमारे शरीर के सबसे ऊपर दिमाग वाले हिस्से में हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। अब दिमाग को देखिए, अगर हम हाइपोथैलेमस के अंदर प्यूस ग्रंथि को जूम करके आपको दिखाएं तो ये है प्यूस ग्रंथि। अगर आप देख सकेंगे तो यहाँ प्यूटिट्री जो ग्लैंड है वो तीन अलग अलग पाली में बटा है, मतलब लोब में बटा है। पहले का नाम एंटीरियर लोब, जिसको अग्रपाली कहते हैं। दूसरी का नाम जो है इंटरमीडिएट लोब, और अंतिम पाली को पोस्टीरियर लोब कहते हैं। आप देखेंगे कि जो ऊपर वाली पाली है अग्र पाली यानी एंटीरियर लोब, वहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। बीच वाली पाली इंटीरियर लोब से मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होती है। साथियों, मेलानिन जो है वो ये डिसाइड करती है कि आपकी त्वचा का कलर क्या होगा, बाल का कलर क्या होगा, आप दिखेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें मेलानिन तय करती हैं। अंतिम पाली है पोस्टीरियर लोब, जिसको न्यूरोहाइपोफोसिस भी कहते हैं। ये कोई सेक्रेटरी सेंटर नहीं होता, यहाँ से कोई हार्मोन रिलीज नहीं होती, बल्कि एक बैग है जो स्टोरेज का काम करती है, भंडारण का काम करती है। किस चीज़ के भंडारण का काम करती है? ये हाइपोथैलेमस द्वारा निकाले गए, रिलीज किए गए न्यूरो हार्मोन्स का भंडारण का काम करती है। हाइपोथैलेमस दो न्यूरो हार्मोन्स को निकालता है, पहला है ऑक्सीटॉक्सिन और दूसरा है वैसोपरेसिन, जिसको ADH भी कहते हैं। हम आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ऑक्सीटॉक्सिन जो है आपके शरीर में मातृत्व और सामाजिक आपसी संबंधों यानी लव हार्मोन है, और वैसोपरेसिन जो है आपके शरीर में एक तरीके का जो वाटर बैलेंस है उसको जो है वो मेंटेन करने का काम करता है। चूँकि प्यूटिट्री ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका मतलब ये है कि इसके हर एक लोब से जो है वो हार्मोन्स रिलीज होगा। सबसे ज़्यादा हार्मोन्स एंटीरियर लोब से रिलीज होता है, अग्रपाली से 6 हार्मोन्स रिलीज होती हैं। यही हार्मोन्स जो है वो आपके शरीर के अलग अलग ग्लैंड्स को रेगुलेट करने का काम करती है। यही कारण है कि प्यूटिट्री ग्लैंड जो है उसको हम रेगुलेटिंग ग्लैंड भी कहेंगे, मास्टर ग्लैंड भी कहेंगे। जैसे कौन कौन से ग्लैंड है जिनको रेगुलेट करने का काम करती है, जैसे टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गया, थायराइड हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, इन सारे को रेगुलेट करने का काम करती है प्यूटिट्री ग्लैंड। ये 6 हार्मोन में से पहला हार्मोन जो है प्यूटिट्री ग्लैंड के द्वारा, वो कौन सा हार्मोन है? पहला हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। साथियों, इसमें आप एक वर्ड को ध्यान से देखिए, लैक्ट। लैक्ट का बायोलॉजी में मतलब होता है मिल्क, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन वो हार्मोन है जो कि मिल्क इनिशिएशंस का काम करती है। महिलाओं में मिल्क बनाने की जो शुरुआत होती है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा ही होती है। मिल्क बनेगा कैसे और मिल्क की लोकेशन क्या होगी बनने की, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ही तय करता है। दूसरी बात है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और चाइल्ड बर्थ के बाद मतलब डिलीवरी के बाद भी इसकी मात्रा जो है वो बढ़ी ही रहती है। यानी कि एक तरीके से प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो इस तरीके का हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन में सहायता करती हैं गर्भावस्था के बाद भी। अगर किसी महिला में सामान्य स्तर से ज़्यादा प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन होने लगे, ये अवस्था हाइपर प्रोलैक्टेमिया कहलाती है। ये कारण हो सकता है एबनॉर्मल मिल्क प्रोडक्शंस का, महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ख़राब हो सकती है, महिला बांझ हो सकती है, उनके अंदर जो सेक्स करने की भावना है, लिबिडो है, वो भी कम हो सकती है, जिसको कामेच्छा कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन तो इनिशिएट कर दी है महिलाओं के ब्रेस्ट के अंदर, लेकिन ये मिल्क प्रोडक्शंस जो है वो के बाहर कैसे निकलेगा ब्रेस्ट से, इसके लिए जो हार्मोन काम आती है वो है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो मिल्क सेक्रेटिंग हार्मोन है। इसका मतलब ये कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जो उसके उनके बच्चे की डिलीवरी होती है, उसके बाद ये ऑक्सीटॉक्सिन उनके अंदर रिलीज होता है, और ये क्या करती है कि दूध फॉर्मेशंस का काम करती है, दूध को स्रावित करने का काम करती है, जिनसे बच्चे को फीडिंग में आसानी पैदा होती है। इसी ऑक्सीटॉक्सिन का इस्तेमाल बहुत सारे जो है वो मवेशियों में किया जाता है ताकि उसकी दूध की प्रोडक्शंस ज़्यादा हो सके, और इसका मिसयूज़ डेयरी इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा मिलेगा। आजकल तो ऑक्सीटॉक्सिन का इस्तेमाल जो है फलों को पकाने के लिए भी होता है, हालांकि फल जो है
को पकाने के लिए जो प्लांट हार्मोन काम करती थी वो इथैलीन, उसके अलावा भी हम ऑक्सीटॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं फल को पकाने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ऑक्सीटॉक्सिन का प्रेजेंस जो है, हालांकि महिलाओं के अंदर होता था दूध को बाहर निकालने के लिए, उनके अंदर उनके ब्रेस्ट में जो दूध बन रही है, लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन पुरुषों में भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे फल ऐसे सब्जियों को खा रहे हैं जो ऑक्सीटॉक्सिन से रहित हैं, यानी कि किसी फल को अगर ऑक्सीटॉक्सिन देकर पकाया गया है, किसी फल को ऑक्सीटॉक्सिन देकर जो है बड़ा किया गया है, चाहे वो फल की साइज़ को बड़ा करना हो, वेजिटेबल की साइज़ को बड़ा करना हो, ये सारे बड़ा करने के लिए जो है ऑक्सीटॉक्सिन डाला जाता है, या फल को पकाया जाने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन डाला जाता है। अगर आप उसको खाएंगे तो उससे आपको कैंसर होगा, उससे आपको जो है डिप्रेशन होगा, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ेगी। हालांकि ऑक्सीटॉक्सिन को मैंने कहा था कि लव हार्मोन कहते हैं, लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन जो है ये सारी चीज़ें भी करती है। ऑक्सीटॉक्सिन जो है महिलाओं को बहुत हेल्प करती है, इसको लेबर हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूटेरस को यानी बच्चेदानी को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शंस में काम आती है गर्भाशय के समय, जब भी बच्चे की डिलीवरी के समय वो जो है वो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है, बहुत ही उस पर प्रेशर्स डालती है जिससे बच्चा आसानी से बाहर डिलीवरी के समय निकल सके, इसलिए इसको लेबर हार्मोन भी कहते हैं। साथ ही साथ ये महिलाओं के अंदर चाइल्ड बर्थ के दौरान जो ब्लीडिंग है उसको भी कंट्रोल करती है, उसको भी रोकती है, यानी कि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के रिलीज होने से यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही रहा है, देखिए दोनों तरफ से मैं कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो नीचे जो है वो क्या होगा कि बच्चे को आसानी पैदा होगा नीचे से निकलने में। आगे हम पढ़ेंगे रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में, जो ऑक्सीटॉक्सिन और रिलैक्सिन हार्मोन्स के कारण ही बच्चे जो है आसानी से पैदा होती है, इसलिए ऑक्सीटॉक्सिन को हम क्या कहते हैं, लेबर हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन का इस्तेमाल चूँकि मिसयूज हो रहा है डेयरी प्रोडक्ट्स में भी, और बच्चियों को जल्दी एडल्ट करने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, इस कारण से ऑक्सीटॉक्सिन को बैन भी किया सरकार ने करने की घोषणा की है। आपको पता है कि जब बच्चा किसी भी महिला के अंदर जो है वो बनना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले महिलाओं के अंदर जो प्लासेंटा प्रेजेंट होता है, प्लासेंटा एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर मैं प्लासेंटा को इंडोक्राइन ग्लैंड कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि प्लासेंटा से कुछ हार्मोन्स निकलेंगे, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी चीज़ें सेक्रेट होती हैं वो हार्मोन्स होती हैं। प्लासेंटा जो है वो जो बच्चे बन रहे हैं महिला के पेट के अंदर, उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती है, ठीक है। तो प्लासेंटा से जो पहला हार्मोन निकलता है वो है HCGH हार्मोन, मतलब ह्यूमन क्लोरोनिक गेंडोट्रोपिन हार्मोन। अच्छा, HCGH हार्मोन क्या करती है? HCGH हार्मोन सिर्फ और सिर्फ जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस महिला के अंदर जो है ये हार्मोन्स फॉर्म होता है। बाजार में जो प्रेगनेंसी चेक करने वाली किट होती है वो HCGH हार्मोन को ही चेक करती है, क्योंकि HCGH हार्मोन जो है या तो महिला के ब्लड में मिल सकता है या महिला के यूरिन में मिल सकता है, और महिला प्रेग्नेंट है या नहीं, महिला अपनी यूरिन को टेस्ट करके, उस किट को टेस्ट करके, क्योंकि उस किट से उस यूरिन के अंदर, महिलाओं के यूरिन के ही अंदर सिर्फ और सिर्फ HCGH हार्मोन जो है वो प्रेजेंस होगा, और महिलाओं के अंदर उल्टी या जी मचलना ये HCGH हार्मोन के कारण ही होता है। दूसरा हार्मोन है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। लैक्टोजेन का मतलब तो आपको, लैक्ट का मतलब तो है दूध फॉर्मेशन, यानी कि ये हार्मोन क्या करती है कि जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती है, ठीक है, यानी कि ये भ्रूण के पोषण्स का काम करती है, ठीक है, यानी कि ये मिल्क फॉर्मेशंस को जो है स्टिमुलेट करती है, उसको बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। तो ह्यूमन लैक्टोजेन हार्मोन। अगला है रिलैक्सिन हार्मोन। साथियों, रिलैक्सिन हार्मोन मैंने कहा था कि ऑक्सीटॉक्सिन जैसे स्ट्रेच करने का काम करती है, रिलैक्सिन हार्मोन जो है बर्थ के समय जो है वो महिलाओं के बॉडी को रिलैक्स करने का काम करती है, उनके मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है, और जब मसल्स रिलैक्स होता है तो महिला की बॉडी परफेक्टली चाइल्ड बर्थ के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट प्लेसेंटल हार्मोन जो है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का हालांकि निर्माण जो है वो ओवरी करती हैं प्रायः, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इसका निर्माण जो है वो प्लेसेंटा के द्वारा होता है, यानी ओवरी और प्लेसेंटा दोनों इसका निर्माण करती है। प्लासेंटा इसलिए इसका निर्माण करती है ताकि कि महिला जो है वो सेक्सुअल ट्रेड डेवलप कर सके और महिला की हेल्दी प्रेगनेंसी को इंश्योर कर सके, यही कारण जो है एस्ट्रोजन
प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के अंदर जो है वो विकसित होती है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के ही कारण महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान पेट बड़ी होते हुए दिखती है, यानी थिकनिंग ऑफ देयर पेट, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के दौरान बहुत ठीक करती है ताकि कि ये जो प्रेगनेंसी है वो बहुत हेल्दी हो सके। यही है प्रोजेस्टेरोन का काम। ऑक्सीटॉक्सिन के बाद जिस संदेश को पोस्टीरियर लोब अपने पास लगती है वो है वैसोप्रेसिन, जिसको ADH हार्मोन भी कहते हैं। ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये बहुत ही ज़रूरी हार्मोन है क्योंकि आपके सोने और जगने को यही तय करती है, यानी कि ये जो है सिराडियन रिदिम को तय करने की जो का जो हार्मोन है वो कौन है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो है किसी भी ह्यूमन के अंदर उसकी जो मूत्र में कितना पानी जा रहा है उसको भी कंट्रोल करती है, यानी बॉडी की इंटरनल टेम्परेचर्स भी यही तय करती है। यानी वैसोप्रेसिन अगर किसी व्यक्ति में रिलीज कम हो तो उसकी मूत्र से पानी ज़्यादा जाएगा, यानी उसको जो है डिहाइड्रेशन की समस्याएं होंगी। वैसोप्रेसिन चूंकि महिलाओं और पुरुष दोनों में निकलता है लेकिन पुरुष इससे ज़्यादा इम्पेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि पुरुष की जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो वैसोप्रेसिन के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, क्योंकि उनकी दोनों नलियाँ सेम ही है मूत्र की और जो है वो स्पर्म निकलने की। वैसोप्रेसिन जो है वो क्या क्या करता है आपके शरीर में, मैंने पहले ही बताया कि वाटर बैलेंस का काम करता है। आपकी किडनी को ये कहता है कि भाई पानी स्टोर करके रखो, ज़्यादा पानी जो है बाहर नहीं निकालना है, उतनी ही पानी निकालना है जितनी की ज़रूरत है, जितनी वेस्ट वाटर है। पानी हमारे शरीर को चाहिए, अगर ज़्यादा पानी निकालोगे तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होगी और इससे जो है मृत्यु भी हो सकती है। यानी वाटर बैलेंस का काम जो है वो वैसोप्रेसिन करता है। वैसोप्रेसिन जो है आप देखेंगे कि किस आपको प्यास भी लगने जो लगती है वो वैसोप्रेसिन के कारण होता है, यानी कि अगर आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है तो वैसोप्रेसिन निकालता है और वही जो है आपकी बॉडी में ज़्यादा प्यास लगवाती है। अब जो एंटीरियर लोब में हमने 6 हार्मोन में सबसे प्रोलैक्टिन हार्मोन तो पढ़ लिया, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और उसके बाद जो है प्लेसेंटा का हार्मोन पढ़ लिया। अब ग्रोथ हार्मोन को हमको पढ़ना है। ग्रोथ हार्मोन जैसा कि नाम से क्लियर है, ग्रोथ हार्मोन बच्चों में सबसे ज़्यादा निकलती है। क्यों? क्योंकि इसको जो है वो एक तरीके से बच्चों को डेवलप करना है, लेकिन जब बच्चे पूरी तरीके से डेवलप होते हैं उनकी जो हड्डियाँ जुड़ जाती हैं फिर भी ये ग्रोथ हार्मोन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन करने का काम करती है। साथियों, हमने ऊपर के दो यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन को पढ़ लिया। अगला हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबसे पहले हाइपोथैलेमस द्वारा TRH हार्मोन निकाला जाता है, मतलब कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो प्यूटिट्री ग्लैंड को कहती है कि देखो तुम्हें TSH हार्मोन निकालना है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब प्यूटिट्री ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालती है तो वो थायराइड ग्लैंड को कहती है कि तुम T4 और T3 जो है वो हार्मोन निकालो, मतलब थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन जो है हार्मोन निकालो। और इस हार्मोन से होगा क्या कि ये हार्मोन आपके शरीर में मेटाबॉलिक रेट जो है वो तय करती है, यानी कि आपका शरीर भोजन को किस मात्रा में किस तेज़ी से पचाएगा ये हार्मोन T3 T4 जो है हार्मोन तय करती है। साथ ही साथ आपके हार्ट के फंक्शंस, आपके डाइजेस्टिव फंक्शंस, आपके मसल्स का फंक्शंस, आपके ब्रेन की जो फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस जो है वो यही तय करती है हार्मोन। अब ऊपर के तीन हमने प्रोलैक्टिन, ग्रोथ और TSH पढ़ लिया। अब हम ACTH मतलब कॉर्टियोकोट्रोपिक हार्मोन आपके शरीर के कॉर्टिसोल के प्रोडक्शंस को जो है वो रेगुलेट करता है। आप देखेंगे कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करती है। अब कॉर्टिसोल आपके शरीर में क्या क्या कर सकता है ये बात समझिए। कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस से लड़ने की जो है वो ताकत आपको देता है, इन्फेक्शन से लड़ने की, ब्लड शुगर मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, आपके शरीर में भोजन किस तेज़ी से पचेगा ये भी बातें कॉर्टिसोल तय करती है। और आप बहुत कम किसी भी व्यक्ति में कॉर्टिसोल या बहुत अधिक कॉर्टिसोल पैदा होती है तो ये भी एक समस्या का कारण है। साथियों, हमने 6 हार्मोन में से 4 हार्मोन जो है वो पढ़ लिया, चाहे प्रोलैक्टिन हो, ग्रोथ हो, TSH हो या ACTH हो। अब हमें FSH जो है हार्मोन पढ़ना है, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये कुछ नहीं है, महिलाओं में
एग का प्रोडक्शन और पुरुषों में स्पर्म के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करती है FSH हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा के पीयूष ग्रंथि के एंटीरियर लोब के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस होती है। एंटीरियर लोब में सबसे अंतिम जो हम हार्मोन पढ़ने जाने वाले हैं वो है LH हार्मोन, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। साथियों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो मेल और फीमेल में अलग अलग काम करती है। अगर हम मेल में बात करें कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस काम आती है, तो वो मेल के जो इम्पोर्टेंट ट्रेट्स को डेवलप करने का काम करती है, जैसे डीप वॉइस हो गया, हेयर्स हो गया, मेल के जो करेक्टर्स हैं उनको डेवलपमेंट में काम आती हैं। उसी तरीके से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर फीमेल्स में बात करें तो वो अलग काम में काम आती है, जैसे किसी भी फीमेल का जो मेनस्ट्रेशन साइकिल है उसको रेगुलेट करने में, ठीक है, ओब्यूलेशंस में काम आती हैं, ठीक है, साथ ही साथ प्रेगनेंसी में भी ये बहुत ज़्यादा काम आती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस तरीके से मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से जो है वो ये हार्मोन्स का आप काम देख सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ कि आप प्यूटरी ग्लैंड अच्छे तरीके से समझ पा गए होंगे, और अगर आपने ये समझ ली है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।